तोहे का बतलाई हो, कितना समझाई हो, होके जुदा तुझसे जियल न जाई हो। कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। यदि किसी के चांद सा चेहरा आपका दिल ले गया हो तो सुन लीजिए, दिल ना ले गया आप उसके पीछे पीछे मत भागिए, नहीं तो ले 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 सीधे बोरा में घुसिया देगी। बुझ रहे हैं? हाँ, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें कब, जब आप स्टेबल हो जाइए, सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाइए, उसके बाद ये चीज़ें आपके पीछे दौड़ते आएगी। अभी आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक ना। जब आप अपनी पहचान बना लीजिएगा तो ये चीज़ें आपके पीछे दौड़ते आएगी, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, तब आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, समझे? हाँ। और आप लोगों से एक शिकायत है, इधर रेड कलर में वो देख रहा है, देखिए लाल में लिखल है सब्सक्राइब ना कीजिएगा, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। देखिए कर दीजिए तनी, हाँ, वीडियो को ये शेयर कीजिए दोस्त तक। आप अपने तो देखिए, अपने दोस्त को भी दिखाइए, ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो अब, हाँ अच्छा लग रहा है तो। और ये शिकायत है कि आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो अच्छा बनाता कला नहीं है तू सर, है क्वेश्चन बनाइए, बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सअप नंबर कहला दिए हैं, है हाय वाला मैसेज करने के लिए, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग करने के लिए, बट वो सब काम के लिए व्हाट्सअप नंबर नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है आपके आंसर और क्वेश्चन का जवाब आदान प्रदान करने के लिए, समझे? हाय गुड मॉर्निंग गुड बाय करने के लिए नहीं, वो सब चीज़ नहीं चलेगा। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके, आप लोग नहीं लिखे हैं। पिछले वीडियो में हम आपसे वेक्टर के बारे में पूछे थे, कितना दिन बताए, बहुत कम लोगों का मैसेज आया, कैसे काम चलेगा? इसका मतलब है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए जाके, हाँ तब काम चलेगा। खाली हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने से होगा कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आइए, वेक्टर का एक वीडियो डाल दिए हैं, देखे हैं ना सभी आदमी, ना देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धांसू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट है, देखिए एकदम हिला देगा मिजाज। और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं कि दो सदिश को, यदि आपका कोई सदिश दिया गया है, मान लीजिए दो सदिश आपका ऐसे दिया गया है, देखिएगा, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, और एक बी वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और आपको कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। देखो चला, जब ऐसे सदिश का योगफल कहेगा तो साधारण सा जोर कीजिए, साधारण जोर जो हम लोग पचमा छठा में पढ़े हैं ना, है पढ़े ना पचमा छठा में, वही जोर करना है। अंक बला को देखिए, आई बला को आई बला के साथ जोड़िए, जे बला को जे बला के साथ जोड़िए, के बला को के बला के साथ जोड़िए, आई बला को आई बला के साथ जोड़िए, जे बला को जे बला के साथ जोड़िए, और के बला को के बला के साथ जोड़ दीजिए, निकल जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। देखिएगा, जैसे 5 3 8 आई कैप प्लस 4 3 7 जे कैप प्लस 5 4 9 के कैप, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कह दे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो देख लीजिएगा किस में से किसको घटाना है, ए में से बी को घटाना है, माने ए में से बी को घटाना है। तो देखिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए ना, आई वाला को आई वाला में से घटाइए, जे वाला को जे वाला में से घटाइए, के वाला को के वाला में से घटाइए। अरे एहो सा जोड़ घटाओ सिखाना पड़ेगा आप लोग को, है इसे तो वह है पहला दूसरा वाला है, आई जे के लगा दिया था, क्या हो गया, बड़का बात हो गया, कुछ बड़का बात नहीं, घटाने आता है आप लोग को। देखिए क्या कह रहा है, 3 में से 5 घटा दीजिए, तो 3 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 आई कैप, 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, +1 जे कैप, 1 नहीं लिखा जाता है। फिर यहाँ देखिए, 5 में से 4 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा, 1 के कैप, ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको दो चीज़ आसानी से समझ में आ गया होगा। दो सदिश यदि आपको दिया हुआ रहेगा और उसको कह देगा कि जोड़ना है,
ठीक है, उसको यदि कह दे कि जोड़ना है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है, तो आप आसानी से उसको ऐसे जोड़ सकते हैं। साधारण सा जोड़ करना है, आई बला को आई बला के साथ, जे बला को जे बला के साथ, के बला को के बला के साथ। फिर घटाना है तो आई बला में से आई बला को घटाना है, जे बला में से जे बला को घटाना है, के बला में से के बला को घटाना है, ठीक है, बस यही काम करना है। गुना इसका थोड़ा सा अलग होता है, अभी हम आपको गुना करके भी दिखाते हैं, ठीक ना, गुना भी करके दिखाते हैं, लेकिन पहले ये दो चीज़ें आप आसानी से देख लीजिए। गुना का टर्म बाद में आएगा, ये दो चीज़ें आपको आसानी से आ जाना चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये दो चीज़ को एकदम जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है बाबू। और देखिए पढ़ाई में तो मन लगा दीजिए एकदम, ठीक ना, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, समझ में आ रहा है बात, धोखा नहीं दीजिए, ना मम्मी पापा को धोखा दीजिए ना गुरु जी को धोखा दीजिए, ठीक है। धोखा दीजिएगा तो किसको धोखा दे रहे हैं आप, अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, हैं मम्मी पापा को धोखा दीजिएगा, हमारा धोखा दीजिएगा ना दीजिएगा, ठीक है। इसलिए या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, जाने दीजिएगा तैयो आप बोरा में जाइएगा, यदि जान लगा दीजिएगा तो कुछ हासिल हो जाएगा आपको। एक चीज़ बताए है ना कि मोहब्बत करना है तो किताब से मोहब्बत कीजिए, कॉपी से मोहब्बत कीजिए, यदि बेवफा भी निकलेगी ना तो आपका मुकद्दर बनाकर जाएगी, ठीक ना, हाँ, उससे बेवफा वो बेवफा होगी तो आपको बोरा में ले जाएगी, ठीक है। वो बेवफा हो जाएगी तो कहिएगा कि लाओ फंसरी लगा लेते हैं, लाओ हाथ काट लेते हैं, गोर काट लेते हैं, नस काट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये बेवफा होगी तो मुकद्दर बना देगी आपका, ठीक है। इसलिए जब ये आपके साथ रहेगी, जब इससे मोहब्बत कीजिएगा तो आपसे बहुत सारे आदमी मोहब्बत करने वाले होंगे, ठीक ना, हाँ, बहुत जिसको आप चाहते हैं ना सब मोहब्बत करेगा, करेगी आपसे। यदि आप इससे मोहब्बत ना करते हैं तो आपसे कोई मोहब्बत ना करेगी, बुझ रहे हैं, हाँ। चलिए तो इस चीज़ को आप आसानी से नोट कर लिए होंगे, कुछ और चीज़ें बताते हैं, गुना बाद में करेंगे, धैर्य बनाए रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, सवाल भी एक से एक आएगा, टोटल सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको एकदम गारंटी दे रहे हैं। चलिए देखिए, यदि आपको इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, अब ये तो सदिश के रूप में दिया हुआ है, यदि ऐसे बिंदु के रूप में दे दे कि ए का नियामक है 2, 3, 4 और बी का नियामक है मान लीजिए 3, 4, 5, ठीक है, और आपको ये कह दे कि ए बी का मान निकालना है, देखिएगा ए बी का मान निकालना है या बी ए का मान निकालना है, सुन लीजिए, ए बी का मान निकालना है या बी ए का मान निकालना है, तो एकदम इत्मीनान से पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, इस सवाल को, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है आपको। इसके बाद इसका क्रिया तो एकदम ट्रिक तो हम एकदम ऐसा बता देंगे कि आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा उसको, एको का सवाल छुटबे नहीं करेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा। आइए इस चीज को समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि किसी स्पेस में 2 पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहां पर रखा हुआ है, एक बिंदु यहां पर रखा हुआ है, स्पेस में यहां यहां रखा हुआ है, तो यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु ए रखा हुआ है, यहां पर एक बिंदु बी रखा हुआ है, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहां ए है और यहां बी है, ये पूछा जा रहा है ना, ए से बी की दूरी ऐसा ही ना है, ए बी वेक्टर या पूछ देगा बी ए वेक्टर, चलिए ए बी की बात कर लेते हैं पहले, ए बी वेक्टर। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ए का जो नियामक यहां दिया गया है कितना है, 2, 3, 4 है, ठीक है, इधर क्या है, 3, 4, 5 है। देखिए तो अभी तो ये आपका निर्देशांक है ना, निर्देशांक, ये सदिश तब बनेगा जब आप इसको मूल बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मूल बिंदु है, यहां पर मान लीजिए कि मूल बिंदु है 3 डायमेंशनल का, तो यहां से जब आप इसको ऐसे ले जाइएगा तब ये सदिश के रूप में हो गया ना, तब ये सदिश के रूप में हो गया ओ से, देखिएगा ये देखिए अब सदिश के रूप में हो जाएगा, ये आपको बता दिए हैं पहले, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो देखिए ओ से ए पर गया तो जो आपका ए बिंदु है वह ए बिंदु नहीं है, वह है आपका ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आप वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2i+3j+4k। आज जो बी बिंदु है आपका, ये बी बिंदु नहीं है, ये है ओ बी वेक्टर, ठीक है, बी बिंदु नहीं है, ये क्या है, ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आप, 3i+4j+5k, ठीक ना। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी का मान क्या होगा,
ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? देखिए त्रिभुज का नियम आपको बता दिए हैं कि कितनों घूम घूम के जाएगा, जो सबसे सीधा वाला रास्ता होगा वही उसका मान देगा ना, सबसे छोटका रास्ता, गली वाला रास्ता, बुझ रहे हैं, सबसे छोटका रास्ता, पिछुआड़ी वाला, आप लोगों को खूब मालूम होगा पिछुआड़ी वाला रास्ता। देखिए सदिश कैसे कैसे चला है, एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए सदिश कैसे कैसे चला है, पूरा ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। पहले सदिश चला ए से बी, सॉरी ओ से ए, ए से बी, देखिए यहां पर ओ से ए, ए से बी, तो आपको निकालना है ओ बी। चलिए देखिए इसका शुरुआत कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, तो जो सबसे कम दूरी है देखना दिख रहा है, फिर से देखिए, फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सदिश कैसे गया, यहां से यहां गया, इसके बाद यहां से यहां आया, तो जो इसका और इसका योगफल होगा इस सदिश के बराबर होगा ना, नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज के योगफल नियम से, ओ ए वेक्टर प्लस, उधर से देखिएगा, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे, रुकिए ना, कल धरफरा रहे हैं, रुकिए, एकदम रुक जाइए। आपको मान निकालना है ए बी वेक्टर का, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बउआ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब आ गया ट्रिक, ठीक है, देख लीजिए यहां पर लिख ही देते हैं, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। पहले ई क्रिया कर देते हैं पूरा पूरा, एकदम रुक जाइएगा। ओ बी में से ओ ए को घटाना है, माने इसमें से इसको घटाना है, तो तीन में से दो घट गया तो एक आई कैप, फिर इसमें से इसको घटाना है, चार में से तीन घट गया तो एक जे कैप, यहां देखिएगा पांच में से चार घट गया तो एक के कैप, ये हो गया ए बी का मान, ये तो हो गया इसका बेसिक चीज। जब आप ट्रिक लगाइएगा, ठीक है, तो इसको आप एक सेकंड में कैसे बना सकते हैं, हर समय इतना क्रिया कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है उसके लिए इतना क्रिया कीजिएगा ना, इतना क्रिया करने से काम नहीं चलेगा, चला, लेकिन लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इस चीज को आप पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं और इसकी आवश्यकता आगे आने वाला है, ठीक है, इसलिए इसको लिखिए। अब इसका एकदम कॉन्सेप्ट बताते हैं, धराक से क्वेश्चन बन जाएगा, देखिएगा एकदम एकदम धराक से, अभी खरे खर क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए बनाइए, तो जल्दी से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एकदम जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, बिना कॉपी कलम की वीडियो नहीं देखेगा कोई, कॉपी कलम ले आइए घरे से, जाओ ना रे, कॉपी कलम ले आओ ना, जाके कॉपी कलम ले आओ, बैठो गोर हाथ धो के पढ़ो, पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। हाँ चलिए, चलिए देखिए, जैसे ए का मान और बी का मान दिया गया है और आपको कह रहा है कि ए बी वेक्टर निकालना है, सुन लीजिए, जो बाद में रहेगा उसमें से पहले वाला को घटा लीजिएगा, यानी बी में से ए को घटा लीजिएगा, कुछो लिखेगा कुछो, एकदम धराक से क्वेश्चन बनेगा। करना क्या है, बाद वाला में से शुरू वाला को घटा लीजिएगा, बाद वाला में से शुरू वाला को, जैसे बी में से ए को घटा लीजिएगा, तो देखिए तब देखिए यहां पर तीन में से दो घट गया एक, चूंकि वेक्टर लगा हुआ है इसलिए आई जे के जरूर लिखना है आपको, ये सब निर्देशांक है, ये सब अदिश है, लेकिन इसमें सदिश लग गया, सदिश लगेगा तो आई जे के जरूर आएगा, ठीक ना। हाँ तो तीन में से दो घट गया एक आई कैप, देखिए चार में से तीन घट गया एक जे कैप, पांच में से चार घट गया एक के कैप। एक सेकेंड में बना सवाल, एक और सवाल, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है पी, पी का नियामक है पांच चार सात, एक है आपका क्यू और क्यू का नियामक है दो तीन एक, मान लिया जाए, और आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा, रुको, पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा, क्या करना है देखिए, तो अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाना है, यानी क्यू में से पी को घटाना है, अलग गया वेक्टर था आई जे के सटाना है, देख लीजिएगा, क्यू में से पी को घटाइए यानी इसमें से इसको घटाइए, दो में से पांच को घटाइए तो दो में से पांच घटेगा यानी हो जाएगा माइनस तीन, अब वेक्टर लगल है तो आई कैप, देखिएगा तीन में से चार को घटाइए तो तीन में से चार घटेगा तो माइनस एक, एक तो लिखाएगा नहीं जे कैप। अब देखिए एक में से सात को घटाइए तो एक में से सात घटेगा तो कितना हो जाएगा छ, एक में से सात घटेगा तो माइनस छ के कैप, हो गया।
आए समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक और सवाल लीजिए, एम बराबर आपका है -2 -5 -3 और एन बराबर है 3 2 4, ठीक है 3 2 और 4। आपसे पूछ रहा है कि एन एम वेक्टर बराबर क्या होगा, देखिए तो एन एम वेक्टर बराबर क्या होगा, क्या करेंगे एन एम पूछा ना, एन एम तो बाद वाला में से शुरू वाला को घटा दीजिए, बाद वाला में से शुरू वाला को घटा दीजिए, आ चूंकि यहां वेक्टर लगा हुआ है इसलिए आई जे के सटा दीजिए, हो गया बात खत्म। देखिए यहां आपको करना क्या है, एम में से एन को घटाना है यानी इसमें से इसको घटाना है, तो -2 में से 3 घटेगा, देखिए -2 में से 3 घटेगा तो -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 i कैप। यहां देखिए -5 में से 2 घटेगा, यहां -5 में से 2 घटेगा तो -5 और -2 तो कितना हो जाएगा -7 j कैप, अब -3 में से 4 घटेगा तो -3 में से 4 घटेगा तो -3 -4 यानी -7 k कैप। आ गया समझ में, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरीके का निर्देशांक आपको दिया रहे और निर्देशांक से आपको सदिश का मान पूछ दे तो करना क्या है, अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटा दीजिए, चूंकि वेक्टर लगा हुआ रहेगा इसलिए सब में आई जे के सटा दीजिए, ठीक ना, आई जे के सटा दीजिए, हो गया मान, ठीक है। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अब हम लोग निकालेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश कहने का अर्थ होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अदिश इसलिए इसको कह देते हैं क्योंकि जब इसका मान निकालते हैं ना तो इसका मान सदिश के रूप में नहीं आता है, यानी आई जे के जो है इसमें से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जैसे ही आई जे के हट गया तो क्या सदिश रहा, क्योंकि आई जे के ही दिशा का निर्धारण करता है, ठीक ना। इसलिए यह जो है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहेगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, या फिर लिखेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, चला बहुत आसान सिंपल। देखिए क्या करना है आपको, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछे तो आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना, चिन्ह के साथ। कैसे गुना, चिन्ह के साथ, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला से गुना, चिन्ह के साथ करेंगे। तो देखिए यहां प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस 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 आ 3 5 15, ठीक है। यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, ठीक है। कितना हो गया 18 12 30, यानी 15 माइनस 30 घट के कितना हो जाएगा -15, घट के कितना हो जाएगा -15 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, -15 के बराबर, जो आपको दिख रहा है। समझ में आया ये चीजें, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो बड़ी सिंपल है, आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे, जे वाला को जे वाला से गुना करेंगे, के वाला को के वाला से गुना करेंगे, कैसे, चिन्ह के साथ, ठीक है। चिन्ह का गुना आपको आता होगा तो चिन्ह के साथ गुना करना है। देख लीजिए यहां पर प्लस प्लस प्लस, 3 5 15, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, ठीक है। 18 12 30, यानी 15 माइनस 30 घट के कितना हो गया 15। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर हो जाएगा, -15 के बराबर, ठीक है। देख लीजिए एक सवाल और देखते हैं, यहां पर मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर है आपका 2 i कैप -3 j कैप +4 k कैप और बी वेक्टर बराबर है 7 i कैप -3 j कैप +8 k कैप, और इसका पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसके डॉट प्रोडक्ट की बात आपसे कहा जाए तो वही काम करना है आपको, क्या देखिएगा क्या करना है, आई वाला को आई वाला से गुना, 7 2 14,
प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तीन तिहाई नौ, फिर प्लस आठ चौके बत्तीस, जोड़ लीजिए सबको कितना हो जाएगा, चौदह नौ तेईस, तेईस दो पच्चीस, अब पच्चीस तीस हो जाएगा आपका पचपन, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, पचपन के बराबर हो, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, पचपन। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन फार्मूला पर, जो आपका मेन फार्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको हमारा डिटेल क्लास देखना पड़ेगा, ठीक ना, इसके लिए आपको हमारा डिटेल क्लास देखना पड़ेगा, वहां जाकर क्लियर आपको बताया गया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा, ठीक है। इतना चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम, हमें नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखिए कि इसके बाद यदि आपको सवाल ये पूछे कि दो सदिश के बीच का कोण, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, उसके बीच का कोण क्या होगा, दो सदिश के बीच का कोण, पहले फार्मूला ले लीजिए, ट्रिक हम बाद में बताते हैं आपको, हम बता रहे हैं ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले फार्मूला ले लीजिए। देखिए दो सदिश के बीच का कोण कहने का क्या मतलब है कि थीटा का मान चाहिए हमको, बिल्कुल सिंपल है, थीटा का मान ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, देखिएगा कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, और यदि आपको थीटा का मान यहां से निकालना है या थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका मेन कोण में है तो इधर इनवर्स में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। तनिया को नहीं घबराइएगा कि क्या लिख रहे हैं, एकदम अपने कॉपी में लिख दीजिए, सवाल आपसे पूछेगा तो जवाब ऐसे ही दे दीजिएगा, सेम टू सेम, फार्मूला बनाने का तरीका मेरा बिल्कुल अलग होगा, उस समय ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक ना। हाँ चलिए, दूसरा ऐसा नहीं कि कुछ नया लिखेंगे, इसी में से रहता है वो, ठीक ना, लेकिन उस चीज को हम समझते हैं, बस आपके सामने बहुत आसान चीज परोसते हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि मान लिया जाए, समझिए एक चीज को, कि यदि इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, मान लीजिए तो इसके बीच का जो कोण है यही आपका कॉस, ये थीटा है इसके बीच का कोण, ठीक ना, हम ऐसे मान लेते हैं कि इसके बीच का कोण थीटा है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जो फार्मूला आपका हुआ ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, अब यदि हम ऐसा मान ले कि ये जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान समझिएगा, ये थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर ऐसे आएगा, नहीं, ये होगा बी वेक्टर, तभी तो इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब है कि जब ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होगा या बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब होगा। तो देखिएगा, दूसरा, यदि यदि ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर या बी वेक्टर लंब है, बी वेक्टर लंब है ए वेक्टर पर, तो देखिएगा लंब के कंडीशन में तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर ना, तो जैसे ही यहां थीटा के जगह 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है जीरो के बराबर, ठीक है। आपने मान सारणी को यदि नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मान सारणी को देख लीजिएगा ठीक से, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो के बराबर, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, जैसे ही यहां थीटा के जगह 90 डिग्री रखेंगे तो सब हो जाएगा आपका ई जीरो हो गया, तो सब जीरो ना हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या, जीरो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो। तो अब एक चीज आप यहां से समझ लीजिए कि यदि दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान जीरो के बराबर आ जाए, ठीक ना, दो सदिश के
डॉट प्रोडक्ट का मान यदि जीरो के बराबर आ जाए तो आपको यह समझना है, ये समझना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यदि जीरो हो जाए तो आपको समझना है कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पर क्या है लंब है, या बी वेक्टर जो है ए वेक्टर पर क्या है लंब है। समझ में आ रहा है? जब दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट का मान जीरो के बराबर हो जाए तो समझेंगे कि वो एक दूसरे पर क्या है लंब है। ठीक है, अब एक चीज और, यदि मान लिया जाए कि दोनों सदिश जो है आपका ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रहा है तो इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? दो समांतर रेखा के बीच जीरो डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। या फिर आप ये मान सकते हैं कि ये जो बी वेक्टर है ए वेक्टर पर आकर गिर जाए तो उस समय भी थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाएगा, नहीं, उस समय भी थीटा का मान क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा। तो जब थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाएगा, देखिएगा, जब थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उस समय, कॉस जीरो डिग्री का मान तो एक के बराबर होता है, लिखेंगे जब थीटा बराबर जीरो डिग्री तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक, यहां से देख सकते हैं आप, जब थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाएगा तो थीटा का मान जीरो डिग्री होने का दो कंडीशन होता है कि जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा तो उस समय भी थीटा का मान जीरो डिग्री होगा, या फिर यह बी वेक्टर जो है ए वेक्टर पर आकर गिर जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगा तो बीच में जीरो डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। तो वैसे कंडीशन में जो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। एक चीज और समझ लीजिए यहां से कि यदि ऐसे कंडीशन में ए वेक्टर का मान यदि बी वेक्टर के बराबर हो जाए, ऐसे कंडीशन में ए वेक्टर का मान बी वेक्टर के बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या ए वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर का मापांक, यानी इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, लिख सकते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। तो यदि कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो आप लिख सकते हैं वहां पर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। या फिर यह भी लिख सकते हैं यदि बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो उसको लिख सकते हैं बी वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा आपका बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। इतनी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। अब इस पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस पर करने वाले हैं क्वेश्चन, इसको खूब आराम से आप देखिएगा, एकदम एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो को आगे पीछे करके भी देख लीजिएगा, जहां पर जो चीजें प्रॉब्लम डाल रहा हो उसको आगे पीछे करके देखिएगा, क्योंकि टोटल चीजें हमने क्लियर इस वीडियो में बोलकर बताया है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्लास है तो थोड़ा सा आगे लेकर चले हैं ऐसा हम मानते हैं, लेकिन बहुत बारीकी से समझाया गया है, और इस पर जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल कभी कभी यहां से भी पूछता है। ठीक है, कभी कभी इन्हीं सब में से कोई एक चीज उठाकर आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका मान कितना के बराबर होगा, तो वहां पर तो उलझ जाइएगा ना, इसलिए ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।